नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सेस मॉडिफायर्स और एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स आर यूज टू इम्प्लीमेंट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नोन एज डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सेस मॉडिफायर्स का कंसेप्ट यूज़ होता है, किसमें? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। एक्सेस मॉडिफायर्स इन ए क्लास आर यूज टू सेट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द क्लास मेंबर्स। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ द क्लास मेंबर्स मतलब क्लास के अंदर दो मेंबर्स होते हैं, एक होता है डेटा, जिन्हें बोलते हैं डेटा मेंबर्स। तो क्लास के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है डेटा मेंबर्स और दूसरा होता है मेंबर फंक्शंस। जो फंक्शंस होते हैं उसे बोलते हैं हम मेंबर फंक्शंस। तो कौन सा डेटा और कौन सा मेंबर फंक्शंस एक्सेसिबल होंगे, वो कौन से एक्सेसिबल होंगे आउटसाइड क्लास और कौन से नहीं होंगे आउटसाइड क्लास, इसकी एक्सेसिबिलिटी को फिक्स करने के लिए एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज़ होता है। तो एक्सेस मॉडिफायर्स इन ए क्लास आर यूज टू सेट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द क्लास मेंबर्स, यानी डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस की। दैट इज इट सेट्स सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द क्लास मेंबर्स नॉट टू गेट डायरेक्टली एक्सेस बाय द आउटसाइड फंक्शंस। इसके हेल्प से हम रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं क्लास मेंबर्स के ऊपर कि डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो, क्योंकि डेटा हाइडिंग में हमें क्या करना होता है, हमें डेटा को सिक्योर बनाना होता है, प्राइवेट बनाना होता है कि डायरेक्टली आउटसाइड फंक्शन उसको एक्सेस नहीं कर पाए। उसके लिए हमें एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ करना पड़ता है। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स जो हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, जो कि C++ में अवेलेबल हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो वन बाय वन हम तीनों को देखेंगे। सबसे पहले है पब्लिक। तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ पब्लिक और प्राइवेट को डिफरेंस के लिए। सपोज़ करो आपके घर का फ़ोन है, तो घर का फ़ोन वो आपकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई भी बाहर का पर्सन जिसको आप जानते नहीं हो आके यूज़ कर सकता है क्या? नहीं यूज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को कौन यूज़ सकता है, आपके फ़ोन को कौन यूज़ कर सकता है? आपके घर के मेंबर्स और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, और कोई भी बाहर का पर्सन जिसे आप नहीं जानते उसको एक्सेस नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन जो पब्लिक बूथ्स पे रहते हैं, शॉप्स पे फ़ोन रहते हैं, वो क्या होते हैं? इट इज़ एक्सेसिबल टू ऑल। कोई भी आएगा, पैसे देगा पर्सन को और फ़ोन यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो पब्लिक ऐसे जिसको कोई भी यूज़ कर पाए, प्राइवेट ऐसा कि जिसको सिर्फ उस क्लास के मेंबर्स और उनके फ्रेंड्स यूज़ कर पाए। ठीक है, प्रोटेक्टेड का अलग थोड़ा मीनिंग है, वो प्राइवेट की ही तरह होता है बट ये इनहेरिटेंस में यूज़ होता है। तो हम आगे देखेंगे एक एक करके कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम देख रहे हैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर। ऑल दी क्लास मेंबर्स डिक्लेयर्ड अंडर पब्लिक विल बी अवेलेबल टू एवरीवन। जैसे फ़ोन बाहर का पब्लिक बूथ का, शॉप्स का, कोई भी यूज़ कर सकता है पैसे दे के, तो वैसे ही जितने भी क्लास मेंबर्स आपने पब्लिक बनाए होंगे वो सभी, उन सभी को हर कोई एक्सेस कर सकता है, यानी इस क्लास के मेंबर्स भी, इस क्लास के मेंबर फंक्शंस भी और आउटसाइड फंक्शंस भी। तो डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर्ड पब्लिक कैन बी एक्सेस बाय अदर क्लासेस टू। बाकी की क्लासेस और प्रोग्राम्स के जो आउटसाइड फंक्शंस है वो सभी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को कहाँ डिक्लेयर कर दिया? पब्लिक में। पब्लिक मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेस्ड बाय एवरीवन यूजिंग द डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट। डॉट यूज़ करके वो उस डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। कंडीशन ये, डॉट लगाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो यूजिंग द डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो सपोज एक एक्स क्लास है, ठीक है, उसके अंदर डेटा मेंबर है डी, मेंबर फंक्शन है एम। तो अगर किसी को भी इस क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को, जिसे हमने पब्लिक रखा है, एक्सेस करना है, तो उसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कैपिटल एक्स क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट हमने ले लिया वाई, तो लिखना पड़ेगा हमें वाई डॉट डी या वाई डॉट एम। तो जो कोई भी इसको आउटसाइड क्लास यूज़ करना चाहता है तो उसके पास उस क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसको डॉट यूज़ करके इसको एक्सेस कर सकता है। तो पब्लिक मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेस यूजिंग द डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट एंड विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, यानी बिना ऑब्जेक्ट के आप उसके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसका हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे होता है।
अगर आप किसी डेटा को पब्लिक बना रहे हो, यानी हर कोई एक्सेस कर पा रहा है उस डेटा को, तो क्या डेटा हाइडिंग है क्या? नहीं। तो ये एग्जाम्पल है नो डेटा हाइडिंग का। हमने डेटा को हाइडिंग किया है, इस डेटा को लेंथ और ब्रेथ को हर कोई एक्सेस कर सकता है, ठीक है? तो इसमें नो डेटा हाइडिंग है। तो सपोज करो एक क्लास रेक्टेंगल हमने बनाई, ठीक है, हमें लिखना पड़ता है क्लास, क्लास का नाम हमने रखा रेक्टेंगल, फिर लिखना पड़ता है कर्ली ब्रैकेट, फिर हमें एक्सेस स्पेसिफायर क्या लिखना है, पब्लिक। तो स्मॉल में लिखेंगे पब्लिक और दो कॉलन्स लगाएंगे, मतलब दो डॉट्स लगाएंगे, इसे बोलते हैं कॉलन। अब हमें रेक्टेंगल में पता है कि रेक्टेंगल की डेटा क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ हमें चाहिए होती है, तो हमने लेंथ और ब्रेथ के दो वेरिएबल्स बनाए पब्लिक टाइप के, और एक फंक्शन हमने बनाया है एरिया। इस ये क्या करेगा, स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी लेंथ और ब्रेथ होगी उसको मल्टीप्लाई करके स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। अब ये क्लास यहाँ पर क्लोज हो रही है, जब भी क्लास क्लोज होती है सी प्लस प्लस में तो यहाँ सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। फिर हमने लिखा वॉइड मेन सी एल आर एस सी आर। अब इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो क्लास का नेम क्या है, रेक्टेंगल, और ये आर जो है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जब भी आप पब्लिक डेटा को एक्सेस करना चाहते हो या क्लास के मेंबर्स को जब भी एक्सेस करते हैं तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके ही आप इस डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया रेक्टेंगल आर। फिर क्या लिखा, अब लेंथ को एक्सेस करना है तो आर डॉट लेंथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट नेम डॉट डेटा का नाम लेंथ इक्वल्स टू 5, तो आर डॉट लेंथ एक आर ऑब्जेक्ट बना। क्योंकि आपने एक आर ऑब्जेक्ट बनाया है रेक्टेंगल टाइप का, तो इसके पास एक लेंथ वेरिएबल होगा और एक ब्रेथ वेरिएबल होगा, ठीक है? तो हमने क्या लिखा, आर डॉट लेंथ इक्वल्स टू 5, तो आर डॉट लेंथ में क्या स्टोर हो गया, 5, और हमने आर डॉट ब्रेथ इक्वल्स टू 2 किया, तो आर के ब्रेथ में क्या स्टोर हो गया, 2। हमने लिखा आर डॉट एरिया, अब एरिया को भी कॉल करना है, तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर फिर एरिया, तो जैसे ही हमने आर डॉट एरिया लिखा तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, एरिया वाला। क्या लिखा आएगा स्क्रीन पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 5 × 2 यानी कि 10, तो आंसर क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 10। ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इन अबव प्रोग्राम लेंथ एंड ब्रेथ डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास रेक्टेंगल आर पब्लिक, सो वी आर अलाउड टू एक्सेस इट आउटसाइड द क्लास। क्योंकि आपने इन डेटा मेंबर्स को पब्लिक बनाया है इसीलिए इसे आउटसाइड एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी मेन फंक्शन जो है ये एक अलग फंक्शन है, ये भी इसको एक्सेस कर पा रहा है लेंथ और ब्रेथ को। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि जब हम प्राइवेट करेंगे तो लेंथ और ब्रेथ आप मेन के अंदर नहीं यूज़ कर पाओगे, क्यों, क्योंकि ये डेटा प्राइवेट हो जाएगा। अभी क्योंकि हमने इस डेटा मेंबर्स को पब्लिक बनाया है इसीलिए डेटा हाइडिंग नहीं है, डेटा हमारा सिक्योर नहीं है, वॉइड मेन भी इसको एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है? तो हमें डेटा हाइडिंग रखना पड़ेगा, जो हम आगे में देखेंगे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में।